तो डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर अभी बात करना तो जरूरी है ही है, लेकिन काफी समय से आप लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ था कि कुछ बच्चे जो हैं प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, है ना। तो अब लगभग अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 6 महीने का समय जो है अब 2023 के प्रीलिम्स में बाकी है। तो बहुत जरूरी हो जाता है इस बात को जानना कि अब यहाँ से हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, है ना। जो बच्चे 24 और 25 में देने वाले हैं उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं कोशिश करूंगा इसके बाद 2024 और 2025 के बच्चों के लिए भी एक स्ट्रेटेजी की वीडियो मैं बना दूं। अब देखिए आज की वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। देखिए, एक तो सबसे जो बड़ा सवाल तो यही है कि 6 महीने जो अब बचे हैं इसको लेकर हमारी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, है ना। एक गंभीर रणनीति क्या होनी चाहिए जिसको बोलते हैं ना कि जिससे हम अपने निशाने से ना चूकें। और दूसरी चीज ये है कि मैं इस बारे में भी बात करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों ने सुना होगा जो कहते हैं कि प्रीलिम्स को लगभग लास्ट के 1-1.5-2 महीने देने चाहिए या उससे ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, अभी भी मार्च तक मेंस में लगे रहना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं तो उसको लेकर जो दुविधाएं हैं उनको भी हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो प्रीलिम्स 2023 को लेके कंप्लीटली कहीं ना कहीं पर फोकस्ड रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो जाएंगे जो हमारे दिमाग में बने रहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए आखिर कितना समय हमें तैयारी करनी चाहिए, कितना डेडिकेटेड टाइम जो है वो हम प्रीलिम्स को दे सकते हैं, इसको लेकर हम लोग बहुत ही गहराई से आज लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज को लेकर चलिए लिख लेते हैं। देखिए, प्रीलिम्स 2023 का जो पेपर है उसका एग्जाम जो है वो 28 मई को होना है, ठीक है, है ना। 28 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम है। अगर यहां से देखें तो लगभग 6 महीने का समय बाकी है। तो पहली चीज जो दुविधा है उसी पर हम लोग बात करते हैं कि देखिए कि क्या अब हमें प्रीलिम्स पर फोकस्ड हो जाना चाहिए या फिर अभी जो है वो हमारा समय लास्ट तक हमें अभी लेके जाना चाहिए और फरवरी मार्च तक अभी हमें मेंस पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद प्री को शुरू करना चाहिए, इसको लेकर क्या आंसर है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, कोई भी चीज ना एक्सट्रीमली जब आप करेंगे तो दोनों के लिए ही सही नहीं होता है। देखिए, कोई भी आप जीवन में देखेंगे ना, अगर आप ज्यादा सो रहे हैं तब भी सही नहीं है, ज्यादा खा रहे हैं तब भी सही नहीं है, कुछ भी जीवन में एक्सट्रीम करेंगे ना, ज्यादा करेंगे अति करेंगे, वो ठीक नहीं है। तो आपको एक बैलेंस चाहिए होता है, ना केवल जिंदगी में, उसी तरह से यूपीएससी की तैयारी में भी आपको बैलेंस्ड ही चलना होता है। अब इसका क्या मतलब बनता है समझिए इस बात को। देखिए, यहां से पूरी तरह से प्रीलिम्स फोकस्ड होना तो बिल्कुल सही नहीं है ना, कि कंप्लीटली आप 6 महीने कुछ और पढ़े ही ना, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़े, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर यूपीएससी के पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी कोई चरण है तो वो आपके मेंस का चरण है ना। उसमें 9 पेपर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कठिन है और कहीं ना कहीं पर आपका जो सिलेक्शन है वो उसी से तय होता है। वो बोला जाता है ना कि यूपीएससी में सिलेक्शन जो है वो आपका मेंस डिसाइड करता है और आपकी रैंक क्या होगी ये इंटरव्यू से डिसाइड होता है ना। तो सिलेक्शन अगर आप पूरे तीनों चरणों में देखेंगे तो मेंस पे जाकर टिकता है, तो उसको नजरअंदाज किया जा सकता है, क्या नहीं नजरअंदाज किया जा सकता, उस पर ध्यान रखना जरूरी है। बट अगर आप पिछले 4-5 साल में यूपीएससी का इवोल्यूशन प्रोसेस देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि यूपीएससी किस तरह से अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा है, तो आपके नजर में ये चीज आएगी कि अब प्रीलिम्स जो है वो सबसे ज्यादा गले की हड्डी बन गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी मेंस की भी तैयारी होती है, बहुत अच्छा ऑप्शनल भी प्रिपेयर होता है, इंटरव्यू में बहुत अच्छे के लिए प्रिपेयर होते हैं, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, है ना। फर्स्ट रैंकर आपने श्रुति शर्मा को देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने 87 मार्क्स ही मुझे लगता है उनके थे और प्रीलिम्स वो क्वालिफाई हुए, लास्ट में उन्होंने यूपीएससी टॉप किया। और कोई ये एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे और भी आप लोगों को दिख जाएंगे। तो फिर अभी करना क्या चाहिए, यहां से प्रीलिम्स अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है तो फिर उसके लिए होना क्या चाहिए, अब क्या करना चाहिए एस्पिरेंट को, ध्यान से समझिए। मैंने सबसे पहले कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया था, बैलेंस, है ना, इस वर्ड के बारे में मैंने बात की थी ना, ध्यान से सुनिए। यूपीएससी की पूरी जर्नी में ये वर्ड आपको बहुत हेल्प करेगा, कैसे अब समझिए। आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको कहूं कि अगर आप अगर एक्सट्रीम करते हैं, कुछ भी अति करते हैं, अगर आप अति का मतलब ये है कि अगर यहां से आप बिल्कुल प्रीलिम्स को नजरअंदाज करके चलते हैं और फरवरी तक आप सिर्फ मेंस करते हैं या मार्च तक मेंस करते हैं और प्रीलिम्स उसके बाद उठाते हैं, तब भी आप कहीं ना कहीं पर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी ज्यादा संभावना इसी बात की है, वो बात अलग है कि वहां पर आप चमत्कार कुछ कर जाए।
दूसरी चीज, अगर यहाँ से कंप्लीटली प्रीलिम्स करते हैं 6 महीने, तब भी कहीं ना कहीं पर ठीक नहीं रहेगा। आप प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाएंगे शायद, बट मेंस में आपको दिक्कत होगी। फाइनली आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, आप सूची में, अंतिम सूची में यूपीएससी में आप आने में फिर आपको दिक्कत होगी। तो होना क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी यहां से जो आपका समय है ना, आप 40% समय प्रीलिम्स को हो जाना चाहिए। 40 से 60 का रेशियो आप यहां से चलना चाहिए, यही बैलेंस है, ठीक है। 40 60, 40 मतलब 40% जो आपका टाइम है वो प्रीलिम्स, और 60% अभी भी मेंस को ही देना है, ठीक है। और इसमें करना क्या है, देखिए पहले मेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अभी जो आप समय देख रहे हैं, लगभग आपको पता है कि नवंबर खत्म होने की तरफ जा रहा है ना, दिसंबर और जनवरी का समय अच्छा खासा बचा, इवन फरवरी मिड तक आप देख सकते हैं। तो लगभग देखेंगे तो 2 से 2.5 महीने का समय अभी मेंस को आप दे सकते हैं, पहली चीज तो ये है। अच्छा, उसमें पढ़ना क्या चाहिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, देखिए उसमें आपकी प्रायोरिटी मैक्सिमम नोट्स बनाने की होनी चाहिए। जो पोर्शन आपका मेंस का छूटा हुआ है, सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर ऑप्शनल के नोट्स बचे हैं अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ऑप्शनल के नोट्स बना के रख दो। कोशिश करो कि 70 से 80% ऑप्शनल का जो पोर्शन है वो नोट्स के फॉर्म में आपके पास फरवरी तक आ जाना चाहिए। पहली प्रायोरिटी आपकी ऑप्शनल होनी चाहिए। मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर चीजें, इसके अंदर जो मेंस का 60% है, इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली प्रायोरिटी आपकी ऑप्शनल होना चाहिए, है ना। पहली प्रायोरिटी ऑप्शनल होना चाहिए। उसको ऑप्शनल का मतलब आपके उसके नोट्स जो है 70 से 80% 100% कर पा रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 70 से 80% आपका ऑप्शनल जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए नोट्स के फॉर्म में। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि एसे जो है, एसे के कुछ कोटेशन आप जो है वो लिख के रख लें, ठीक है। कुछ कोट्स हो, कोई पॉइंट्स हो, कोई कविताएं आप लिखना चाह रहे हैं, या किसी व्यक्ति की, महान व्यक्तियों की कुछ कोटेशन होती है ना, वो आप लिख के रख लें, या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आप ऐसे शुरू करना चाह रहे हैं उसका। ये छोटा छोटा समय लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन ये छोटी सी चीजें हैं जो कहते हैं ना लास्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। यही छोटी चीजें लास्ट में आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएंगी। तो आपको यहाँ पर पहली प्रायोरिटी ऑप्शनल, दूसरी प्रायोरिटी कोर्स, तीसरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तीसरी प्रायोरिटी आपकी वही मैंने बोला ना, एथिक्स का जो पोर्शन है ये भी पूरी तरह से नोट्स के फॉर्म में होना चाहिए। मैं आपको क्यों लास्ट में यही चीजें कह रहा हूं, क्योंकि देखिए बच्चों यही चीजें हैं जो आपको अल्टीमेटली यूपीएससी में सिलेक्शन दिलवाएंगी। तीन ही चीजें होती हैं, ऑप्शनल, एसे और एथिक्स, है ना, जो सिलेक्शन दिलवाती हैं। जीएस के जो तीन पेपर हैं, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें लगभग एवरेज मार्क्स सभी के आते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट टाइम का करने पर आपको बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं मिलने वाला, बट इसमें अगर टाइम इन्वेस्ट कर लेंगे, अगर आप प्री से पहले आपका ऑप्शनल और इथिक्स अगर फरवरी तक तैयार हो जाता है ना, और एसे के कोटेशन आप लिख के रख लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी मेंस की 40 से 45% की तैयारी हो चुकी है ना। कितनी बड़ी अच्छी चीज है, और कहीं ना कहीं पर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, मेंस में सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, आंसर लिखने हैं और कुछ नहीं करना है। जो नोट्स थोड़े बहुत रह जाएंगे करंट अफेयर के ऐड करने वाले, वो कंप्लीटली ऐड हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या करो, और चौथे नंबर पर यहाँ पर आप एक चीज रख सकते हो, जो स्टैटिक पोर्शन अभी बचा है, तीन पेपर जो मैंने बोले ना, GS 1 2 3, उसमें जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री का पोर्शन है, जैसे कल्चर का कोई स्टैटिक पोर्शन है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, या इवन आप देखेंगे ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन है, सोसाइटी है, समाज है, या गवर्नेंस का पोर्शन है जिसमें सेकंड एआरसी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसी तरह से आप देखेंगे इकोनॉमी का कोई स्टैटिक पोर्शन है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है और ये सब पोर्शन है। उसके अलावा आप देखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैसे करंट अफेयर ओरिएंटेड रहता है, बट उसमें कुछ कुछ स्टैटिक पोर्शन है, कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जो हर बार यूपीएससी, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह को लेकर, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर यूपीएससी प्रश्न पूछता है। तो ये जो पोर्शन है, इवन पर्यावरण का कुछ स्टैटिक पोर्शन, ये आपका यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी है। इसमें जल्दी से जल्दी नोट्स के फॉर्म में तब्दील हो जानी चाहिए चीजें फरवरी अंत तक। कोशिश करें कि मैक्सिमम चीजें हो जाएं। पहली तीन प्रायोरिटी ऑप्शनल, दूसरी प्रायोरिटी कोर्स, तीसरी प्रायोरिटी एथिक्स, और चौथी प्रायोरिटी स्टैटिक। और इथिक्स में आप कोशिश करें जो स्टैटिक पोर्शन है ना, उसमें अभी केस स्टडीज को थोड़ा छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि केस स्टडी हम प्री के बाद में भी लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा इंप्रूव हो जाएगा। बट उससे पहले का जो ट्रेडिशनल पोर्शन है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ना, इथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, है ना, नैतिकता क्या है, मानव गुण क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, ईमानदारी क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये नोट्स के फॉर्म में तब्दील हो जाना चाहिए फरवरी तक। तो अगर आप मोटा मोटा हिसाब समझ गए हो मेरा, तो मेंस अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, फरवरी तक आपको इसको लेके जाना है, और इन 3-4 चीजों पे काम करके अपना मेंस जो है अच्छे से उसके शॉर्ट नोट्स बना के रख लेने।
ये तो बात हुई हम उस 60% पे, और इसी 60% टाइम में आपको देना है। मान लीजिए आप ओवरऑल लें, अगर कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो आप 6 घंटे अभी भी मेंस पढ़ेंगे, 4 घंटे प्रीलिम्स पढ़ेंगे। अब हम आते हैं जो हमारा मेन यहाँ से टॉपिक शुरू होता है, मेन जो हमारी चीज है कि प्रीलिम्स 2023 को लेकर अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। इसको लेकर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे। देखिए, मैंने बार बार हर वीडियो में एक चीज बोलता हूँ कि यूपीएससी ने जो अपने आप को इवॉल्व किया है, आपको अपनी तैयारी का लेवल भी वहीं लेके जाना होगा। 2022 का आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा खासा टफ पेपर पूछा गया था, है ना, लगातार कुछ ऐसे रेंडम। अच्छा, हुआ क्या है उस इवोल्यूशन प्रोसेस में, 3-4 सालों में जो यूपीएससी ने अपने आप को ऊपर किया है, उसमें हुआ क्या है? उसमें 3-4 चीजें हुई हैं। देखिए, पहली चीज उसमें ये निकल के आती है कि यूपीएससी जो है वो अप्लाइड पॉलिटी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछ रहा है। इसको लेकर मैंने कई बार एग्जांपल दिए हैं कि जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछी थी, है ना, यूपीएससी ने, कि अगर कोई चीज सब्सिडी में दी जाती है तो उसकी अवसर लागत क्या होगी, ये अप्लाइड इकोनॉमी का क्वेश्चन है, है ना। विवाह का अधिकार पूछ लिया गया, तो ये अनुच्छेद 21 में था, इस कोर्ट के डिसीजन में से ये चीज निकल के आई है, तो ये भी अप्लाइड पॉलिटी का क्वेश्चन है, है ना। स्टैटिक पॉलिटी और अप्लाइड पॉलिटी जो कहीं ना कहीं पर कोर्ट के डिसीजन से निकल कर आती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो पोर्शन अब अप्लाइड पॉलिटी का ऊपर जा रहा है, आपने, आपको पता है ना कि इकोनॉमी का जो पोर्शन है यूपीएससी, उसमें अप्लाइड पूछता रहा है पहले भी बहुत सारी चीजें, इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेकर इस बार भी प्रीलिम्स में सवाल था। तो कहीं ना कहीं पर आप उस इवोल्यूशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करें कि यूपीएससी किस तरह से इस मामले में जा रहा है, और हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए पहले 100 क्वेश्चन थे ना, तो 100 में ऐसे होता था कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो रैंडम होते थे, जिसको लेकर एक रहता था कि कहां से पूछ लिए, है ना, किस तरह से पूछ लिए, और इसको लेकर मतलब पढ़ा भी नहीं है, करंट अफेयर में भी नहीं दिख रहे हैं चीजें, स्टैटिक में भी कुछ अलग ही डायरेक्शन में सोर्स में चले गया है यूपीएससी। अब यही संख्या बढ़कर 30 से 35 हो चुकी है। ये अगर आप पॉइंट समझ गए ना, तो यूपीएससी का आप पूरा सिस्टम समझ जाओगे। अभी ये संख्या जो रैंडम प्रश्न है, रैंडम जो क्वेश्चन है, ये लगभग बढ़कर 30 से 35 हो चुके हैं। इसी रैंडम क्वेश्चन में दिक्कत आती है ना। फिर भी अगर आप देखेंगे तो 70 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो यूपीएससी कहीं ना कहीं पर प्रिडिक्ट पूछा जा रहा है ना, कहीं ना कहीं पर उन स्टैंडर्ड बुक से अभी भी पेपर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक से पेपर नहीं आ रहा है, उन्हीं बुक से आ रहा है, बस हमारा पढ़ने का नजरिया थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। लेकिन 30 से 35 रैंडम क्वेश्चन का पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी मात्रा है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको लेकर तो तैयारी की नहीं, तैयारी तो वो की जो प्रश्न आप, जैसे कोई भी संस्थान है ना, उसकी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं, तो वो लोग एक लिमिट में जाके टेस्ट बनाते हैं, एक लिमिटेशन रहती है उनके क्वेश्चन बनाने की, कुछ प्रीवियस ईयर भी उठाते हैं, कुछ उनका क्वेश्चन की एक टीम है ना, जो उनका एक दायरा है। बट यूपीएससी तो उसको भी क्रॉस कर जा रहा है ना, उसको क्रॉस कर जा रहा है, तभी तो होता है कि यहाँ पर 50-50 या 60-60 टेस्ट संस्थान के निकालने के बाद भी, मान लीजिए 50 टेस्ट निकाला किसी कोचिंग में, उसमें 5000 प्रश्न है, और 5000 वहां पे यूपीएससी 100 पूछ रहा है, तो उस 5000 में तो वहां पे 20 भी नहीं आ रहे ना, 20 भी नहीं आ रहे, 25 भी नहीं आ रहे, 15 भी नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये संस्थान चल रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज चल रही है, वहां से यूपीएससी अलग चल रहा है, और उसका परिणाम आपने देखा है कि आंसर की में 20-25 क्वेश्चन इनके डिफरेंट रहते हैं, बड़ी बड़ी संस्थानों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में हमें इसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना, कैसे होगे तैयार? और उसके लिए हमारे पास अलग से सोर्स क्या है? हमें करनी तो यही टेस्ट सीरीज है जो चल रही है, इन्हीं टेस्ट सीरीज में हमें इन्वॉल्व होना है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम उन प्रश्न पे ज्यादा फोकस करें जो रैंडम प्रश्न है ना, जो रैंडम प्रश्न है, ताकि हम ऐसे प्रश्न के लिए तैयार हो पाएं जो हमें वहां पर आता नहीं है। आप खुद बताएं, यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स में सरप्राइज करता है या नहीं करता है? जिन बच्चे बहुत सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि पिछले, चाहे कभी भी यूपीएससी का पिछले 5-6 साल में पेपर हुआ, हर साल कुछ ना कुछ होता है। जैसे 2022 में कुछ किया ना, कि युग्म 1 कर दिया, युग्म 2 कर दिया, इस तरह की एक टेक्निक चेंज करने की कोशिश की, ताकि बच्चे को थोड़ा सा माइंड से उसका उसका भटकाव आ सके, वो कहीं ना कहीं पर भटक जाए एग्जामिनेशन हॉल में। तो ऐसी स्थिति के लिए सबसे पहली चीज आपकी ये होनी चाहिए कि मुझे ये 30 से 35 जो प्रश्न है, इसको लेके मुझे अपने आप को तैयार करना है। एक चीज और, करंट अफेयर जो है यूपीएससी में 2016 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 116 नंबर की कट ऑफ चली गई थी, है ना, अच्छा खासा करंट अफेयर और योजनाएं पूछी गई थी। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहीं ना कहीं पर यूपीएससी का ईगो हर्ट हुआ, और करंट अफेयर जो है उसकी जो क्वेश्चन थे वो कम होते चले गए। इस बार अगर 2022 में देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन है करंट अफेयर के जो डायरेक्ट है ना, बाकी क्वेश्चन इनडायरेक्ट है, बाकी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उसमें एक स्टेटमेंट करंट अफेयर का डाल दिया, 2 स्टेटमेंट स्टैटिक के रख दिए। तो ये यूपीएससी का अपना एक आर्ट है ना,
यूपीएससी के अपनी एक गुगली डालने का एक तरीका है जिसमें बच्चा फंस जाए तो आप क्या करंट अफेयर को नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अभी भी आप देखेंगे तो 20 से 25 प्रश्न में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करंट अफेयर मिला के पूछा जा रहा है, और यही करंट अफेयर आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा ना। बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के बेस्ड होते हैं, उसमें सीधी योजनाएं, सीधे सरकार के अधिनियम, सरकार के प्रस्ताव पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये करंट अफेयर जो पहले बहुत ज्यादा मात्रा में था डायरेक्ट के फॉर्म में, अब इनडायरेक्ट के फॉर्म में है। और ऐसे और एक चीज और कि करंट अफेयर पहले लगभग 6 से 8 महीने या 10 महीने तक लिमिटेड था, अब अगर आप देखेंगे तो 24 से 36 महीने तक यूपीएससी जा रहा है, कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कम से कम 36 महीने का करंट अफेयर तैयार करके जाना ही चाहिए प्रीलिम्स में। और इसको लेकर मैंने कल अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी हेडेक है ना, सबसे बड़ी एक टेंशन रहती है करंट अफेयर को लेकर। तो एक सीरीज आ रही है डिलाइट आईएएस पर, उसकी पहली वीडियो सोमवार से पब्लिश होनी शुरू हो जाएगी। हर वीक में 2 वीडियो आएंगी जिसको हम कहीं ना कहीं पर सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे। ओवरऑल 45 से 50 के आसपास वीडियो आएंगी और आपका ये पूरा का पूरा 36 महीने का करंट अफेयर उसमें कवर कर दिया जाएगा, है ना। तो आप लोगों का सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो गई, आपको बस उसको ज्यादा से ज्यादा देखना है, कोशिश करनी है कि शेयर कर दें, क्योंकि देखिए ये मुझे लगता है मुझे कहना भी नहीं चाहिए, उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हिंदी माध्यम के बच्चों तक वो कंटेंट पहुंच जाए। इवन इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़ा सा अगर कोशिश कर लें को चीजों को समझने की, तो पूरा करंट अफेयर उनको हेल्प करेगा, है ना। क्योंकि करंट अफेयर में बहुत सारा लैंग्वेज का इशू नहीं होता है। तो आपको अगर करंट अफेयर कुछ 40-50 वीडियो में 36 महीने का मिल जा रहा है, तो इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। कंप्लीटली चीजें और पूरा फैक्ट रहेंगे, हर एक चीज को फैक्चुअल रूप में मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, और सारी की सारी वीडियो मैं लेके आने वाला हूं, तो आपको लेके बिल्कुल निश्चिंत रहना इस चीज को लेके, ठीक है। अब हम लोग बात फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी अब फिर यहां से होनी क्या चाहिए। देखिए अगर आप ये इवोल्यूशन प्रोसेस समझ गए हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है ये भी समझ लो, ध्यान से देखो। अब आपके पास मैंने बोला कि 40% जो आपका टाइम है वो यहां से अब जाना चाहिए फरवरी तक आपका प्रीलिम्स में, है ना। और प्रीलिम्स में फिर इस 40% में अभी यहाँ पर क्या करें, जैसे हम लोगों ने मेंस में तो देख लिया कि मेंस में इस 60% का जो टाइम है, अभी 2 महीने हम मेंस में और क्या कर सकते हैं ये तो हमने देख लिया ना। अब प्रीलिम्स में हम लोग क्या कर सकते हैं इसको देखो। सबसे पहले तो ये देखो, जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर पेपर दिया है, पहले पेपर दिया है, जिनका तो फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको तो चलिए वो इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, बट जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर दे रखा है ना, 1-2 अटेम्प्ट दे रखे हैं, 3 अटेम्प्ट दे रखे हैं या इससे ज्यादा, वो बच्चे पहले तो ये देखें कि उस अटेम्प्ट में उसके मार्क्स कितने बन रहे हैं। बिल्कुल ऑनेस्टी से देखें, अगर आप ईमानदारी खुद के प्रति नहीं करेंगे ना, तो आप यूपीएससी में तो मार खाना आपका निश्चित है, है ना। पहले बिल्कुल रीजनल लेवल पर देखें कि हमारे मार्क्स बन कितने रहे। अगर तो आपका 2 से 3 मिनट में मैं उन बच्चों को लेके फिर हम लोग आते हैं जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उन पे भी बात करते हैं। देखिए जिन बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं कि लगभग आप मान लीजिए 90 या 85 से 90 के बीच में बन रहे हैं, मान लीजिए ठीक है इस दौर में है, मान लीजिए कट ऑफ से 1-2 नंबर पीछे रह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ से 4-5 नंबर का गैप बचा है, इन बच्चों को की जो कैटेगरी है, जो इनकी कैटेगरी है, इनको फोकस ये करना है कि देखिए मैं एक बेसिक लेवल तो क्लियर कर ही चुका हूं, मैं आज भी अगर पेपर दूंगा तो मैं इतने ले जाऊंगा, मुझे कोशिश करनी है कि अब मेरे 10 से 12 प्रश्न और सही कैसे हो सकते हैं, है ना, तभी तो बात बनेगी ना, तब आप इस कट ऑफ को क्रॉस कर जाओगे। दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जिनका मान लीजिए 70 के आसपास स्कोर बैठ रहे हैं, है ना, कई ऐसे भी होंगे जिनका 50 के आसपास बैठ रहे हैं, अब इससे भी कम वाले हैं तो उनको कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तो उनको कहीं ना कहीं पर अब थोड़ा ये जो 60-40 वाला रेशियो है ना, इसको कम करके थोड़ा सा बढ़ा के 80% आप प्रीलिम्स पे आ जाइए, अगर प्रीलिम्स में आपके 50 से भी कम नंबर है वो जरूरी है। क्यों मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझिए। देखिए अब ये बच्चे जो हैं 85-90, इनको ये कोशिश करनी है कि कहाँ पर वीकनेस रह रही है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, जो प्रश्न गलत कर रहे हैं आंसर में, जब हम प्रीलिम्स का पिछले साल पेपर दिए हैं उसमें जो प्रश्न हमने गलत किए हैं वो किस वजह से गलत किए हैं, पेपर तो उठा के देख सकते हो ना, अपने आप खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं बताएगा। उस पेपर को कम से कम 10 से 15 बार पढ़िए जो आपने प्रीवियस ईयर में दिया है, उसको चेक करिए और ये चेक करने की कोशिश करिए कि इसमें मैं कहाँ पे चूक कर रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, और जो उन प्रश्न पे ज्यादा ध्यान देना जो सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुई है ना। यूपीएससी में सबसे बड़ा इश्यू यही होता है कि आप क्या करते हैं, जो नहीं आता है वो गलत हो एक्सेप्टेड है, बट जो आ रहा है वो गलत हो जाए तो उसका हमें सबसे ज्यादा दुख होता है। जब हम आते हैं रूम में चेक करते हैं और हमें लगता है अरे मुझे पता था फिर भी मैंने ये गलत किया या गलत किया है, तो कहीं ना कहीं पर वो हमें बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न कर देता है। तो वो सिली मिस्टेक से आपको बचना है,
ये इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। उन वो बच्चे वही सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं तभी तो वो 10-12 नंबर पीछे रह रहे हैं, बस इससे ज्यादा तो फर्क है ही नहीं, 5-7 नंबर का फर्क बैठ रहा है। और आप देखेंगे हर बच्चा अगर मेरी बात को रिलेट कर पा रहा होगा तो वो समझेगा कि 5 से 6 प्रश्न उसने सिली मिस्टेक से गलत किया और वही उसको कट ऑफ से बाहर कर दे रहे हैं। तो उनको उन सिली मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश करनी है। एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं सबके लिए बताने वाला हूँ, पहले ये चीजें समझ लो। उसके बाद जो ये बच्चे हैं 70 वाले, इनका थोड़ा सा, इनको थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना है। इनको ये तो देखना ही है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्या गलतियां की हैं, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो प्रीलिम्स के लिए अभी से देने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। और उसमें क्या करना है उसको लेकर हम लोग बात करते हैं। अब ये जो बच्चे हैं जिनका 50 नंबर बनना है, तो इनको तो पहले आप लोग ये समझो कि देखो आप फाइट में अभी नहीं हो, है ना, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि अभी आप फाइट में नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बच्चे एग्जाम देकर क्वालिफाई नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल मेरा इरादा नहीं है, समझ लीजिए बात को पूरा। इन बच्चों को मैं ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसा क्या पढ़ रहे हैं कि इतना दूर हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं कि आप यहां तक पहुंच रहे हैं, इसके आसपास पहुंच रहे हैं, इससे नीचे भी जा रहे हैं, ये तो बहुत कम है ना। अगर आप प्रीलिम्स में कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं यहाँ पे और आपका मान लीजिए यहाँ पे 120 नंबर आ रहा है, 110 आ रहा है और वहां जाके आप 50 आ रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात तो है ना। तो आपको ये देखना है, पहली चीज खुद को ये मैसेज दो, मैं अभी कॉम्पिटिशन में नहीं हूँ, मुझे अपना लेवल बढ़ाना है, अच्छा खासा मुझे लेवल बढ़ाना होगा, मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूं तभी मेरे 50 से कम नंबर बन रहे हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो एक एनालिसिस आप सब लोग मिलके कर लेंगे, इसके बाद क्या हो? देखिए इसके बाद आपको ये करना है कि अब यहां से ना थोड़ा सा इस चीज को आप समझ लो, पहले अपना एनालिसिस करने के बाद जिस तरह से आपको लगे उस तरह से आप वर्क करना। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए प्रीलिम्स का सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिन बच्चों ने तो देख रखे हैं, जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रखे हैं पिछले 10 सालों के, उनके लिए भी ये बात है, एक बार फिर से अभी उठा के देखेंगे, एक बार अभी PYQs को, 10 सालों के PYQs आप उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे कम से कम 2 से 3 बार, ठीक है, 2 से 3 बार PYQs को अभी पढ़ना है। 1 या 2 दिन, मैं कहता हूँ 1 वीक भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहले उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, प्रीलिम्स को अच्छे से पढ़ लो। दूसरी चीज ये है कि इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपने खुद का एनालिसिस किया, तो आपको ये तो पता लगा होगा कि चलो मैंने रैंडम क्वेश्चन जो थे सिली मिस्टेक्स किस वजह से की, उससे आपको एक तोड़ ये भी निकालना है कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो मेरे ज्यादा वीक है। जैसे मैं आपको एनालिसिस का एक तरीका बताता हूँ, मान लो आप लोगों ने चेकअप किया, पिछले साल का पेपर देखा आपने, है ना, और जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट है वो एक बार प्रीवियस ईयर का एक पेपर लगा के देख लें, अगर यही जज उन्हें भी करना है तो एक बार चेक कर लें। वो क्या करें, जैसे मान लीजिए उसमें प्रीवियस ईयर में मान लीजिए 15 क्वेश्चन क्वालिटी में आए, है ना, आपने वो 15 अटेम्प्ट किए, तो आपको ये देखना है कि इसमें मेरे सही कितने हो रहे हैं। मान लीजिए इसमें 5 प्रश्न सही हो रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी आपका वीक है। अगर यहाँ पर रेशियो ये है कि क्वालिटी जैसे सब्जेक्ट में अगर 10+ आप ले रहे हैं, 10 से प्लस सही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ये सब्जेक्ट ओवरऑल आपका ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है, इस पर थोड़ा सा वर्क करके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सिली मिस्टेक वाला वर्क इसमें हो सकता है। इसी तरह से मान लीजिए आपका हिस्ट्री है ना, आपने हिस्ट्री में मान लीजिए 20 प्रश्न आए तो आपको लगा कि हिस्ट्री में मेरे 5 ही सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये वीक वीक पोर्शन है। अगर आपको लगे कि 20 प्रश्न आए हैं और काफी टफ पूछ रहा है अभी हिस्ट्री, तो इसमें अगर मेरे 12+ में सही कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब मेरा हिस्ट्री सही है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये जज करना है मेरा एरिया कौन सा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट है जो मेरी स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट है जो मेरी वीकनेस है, ये तो यही तो जानना है ना। अगर ये जान जाओगे तभी तो काम, अगर आपको बीमारी ही नहीं पता तो उसका इलाज कैसे करोगे। अगर आपको यही नहीं पता मैं कहां पर लैग कर रहा हूं, कहां पर लैग कर रही हूं, तो मैं इंप्रूव कैसे करूंगी या इंप्रूव कैसे करूंगा, उस पर काम कैसे करूंगा, ठीक है। तो आपको लैग पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, लैग पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लूप होल्स कहाँ पे गलती रह रही है उसको जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना है। ये होगा जब आप जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर दे रखा है वो अपना वही पेपर उठा के देखें कितने सही कितने गलत बैठ रहे हैं। अभी ओरिजिनल जो यूपीएससी की आंसर की वो तो नहीं आई है, बट ओवरऑल जो संस्थाओं की आ रखी है विजन या किसी की, उससे मैच कर लें, अपना मैच करके ये देख करें कि मेरे अगर हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसी तरह का सब में करना है, मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 12 प्रश्न आए तो अगर आप उसमें से 8 से ज्यादा सही कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये सही है, मुझे इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा वर्क नहीं करना है। बट अगर आपके इसमें 12 में से सिर्फ 2 ही सही हो रहे हैं या 3 ही सही हो रहे हैं, फिर आपको चिंता वाली बात है यहाँ, फिर आपको ये देखना है कि नहीं ये चीज जो है यहाँ पर दिक्कत कर रही है, मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है। जब आप ये एनालिसिस निकाल लेंगे, जब आप
ये एनालिसिस निकाल लेंगे कि हाँ मेरा कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीक है या कमजोर है, या कौन सा मेरा स्ट्रेंथ है, तो फिर आसानी ज्यादा चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी, है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मान लीजिए टोटल देखेंगे मोटे मोटे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर, ये 7 से 8 सब्जेक्ट मेन है ना। इवन सोसाइटी और कल्चर का पोर्शन भी इसमें जोड़ दें, तो आप देखेंगे कि कुल मिला के अगर आपका बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट है ना, तो आपके लिए देखिए 2 से 3 सब्जेक्ट होंगे जो वीक एरियाज में आएंगे, ठीक है। अगर इससे ज्यादा है तो फिर आप तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, कुछ तो होंगे ना स्ट्रेंथ। मान लीजिए 8 टोटल, मान लीजिए टोटल 8 है, उनमें से आपके 5 तो सही होंगे ना, यूपीएससी के एस्पिरेंट हो आप। ऐसे थोड़ी सीरियस एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है कि 8 के 8 बेस्ट हो, बट अगर हम पेपर में अच्छा नहीं कर पा रहे, इसमें आप लोग कुछ वीक है, कुछ वीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे 2 से 3 सब्जेक्ट जो हैं वो वीक हैं। तो सबसे पहले इसको उठाओ। अब मैंने ये इतनी कहानी क्यों सुनाई, इतना इतिहास आपको क्यों बताया, वो इसलिए नहीं बताया कि इसका कोई यहाँ पर, इसलिए बताया है कि आप अब इस चीज पे आ जाएं, आपको ये पता चले मेरे 2-3 सब्जेक्ट ये वीक हैं। जैसे मान लीजिए आपको लगा कि मेरा एनवायरमेंट जो है ना, एनवायरमेंट में मान लो मैं ज्यादा क्वेश्चन गलत, क्योंकि एनवायरमेंट आप देखेंगे तो 25 से 30 प्रश्न पूछ रहा है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम हमारे साथ होता है ना, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे मान लीजिए 25 से 30 प्रश्न है। अब इसमें मान लीजिए आपके 10 ही सही हो रहे हैं, तो आपको लग जाना चाहिए कि एनवायरमेंट मेरा वीक पोर्शन है, इस पर मैं गलती कर रहा हूँ। यूपीएससी करंट अफेयर भी पूछता है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इसमें पूछता है ना, बहुत सारी यूएनएफसीसी वगैरह की रिपोर्ट पूछ लेता है। इस बार 2022 में पूछा था क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये किसकी रिपोर्ट है या क्या चीजें हैं, किसका इनिशिएटिव है। ऐसी सिचुएशन में आपको एनवायरमेंट के लिए अच्छे से मान लीजिए तैयार, आपको पता लग गया कि मेरा वीक पोर्शन है, तो अभी इसको उठाइए ना, फरवरी से पहले पहले इसी दौरान जो 2 महीने है तो इसको कंप्लीट करिए ना। इसको कंप्लीट करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है नहीं। मान लीजिए दूसरा आपको लगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरे ज्यादातर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, चाहे 12 ही प्रश्न है, 12-13 प्रश्न ही यूपीएससी पूछ रहा है, चाहे कम कम है क्या 12-13 प्रश्न, और इसके सही होने की पॉसिबिलिटी अच्छी है अगर थोड़ा सा काम कर लें इस पे, क्योंकि वो सिलेक्टेड टेक्निक्स ही पूछ रहा है यूपीएससी, 4G 5G ये सारी टेक्निक्स पूछ रहा है ना, 4T वगैरह क्वेश्चन पूछा था। उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर है, इस बार 2022 में क्वांटम टेक्नोलॉजी क्यूबिट को लेकर प्रश्न पूछा गया है, आप चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर अगर नहीं है तो। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है नियर फील्ड, कहीं ना कहीं पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी प्रश्न पिछली बार पढ़ा होगा, ये जो कम्युनिकेशन है नियर फील्ड कम्युनिकेशन और इस तरह की टेक्निक्स जो है अभी 5G को लेकर चीजें, इन टेक्निक्स पे अगर ले देखे देखेंगे तो 20 से 25 टेक्निक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम कंप्यूटर जैसे एक टेक्निक है ना, बिटकॉइन को लेकर जैसे करेंसी वाला जो है वो चीजें हैं, तो ये टोटल 15 से 20 टॉपिक होंगे, तो उसमें से आपके 12-13 प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए। लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भागते हैं, मुझे लगता है सबसे आसान यही है, अगर थोड़ा सा वर्क इस पे कर लिया जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं इसमें। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस 2 महीने में आपकी पहली प्रायोरिटी आपके वीक एरियाज को दूर करने पे, पहली चीज वीक एरिया जो है उसको दूर करना, आगे से वीक कुछ ना रहे, है ना, इसको इस पे काम करना। दूसरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो हमारा कहीं ना कहीं पे जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं इसको जीरो करना है, सिली मिस्टेक्स को जीरो करना है, ये नहीं चाहिए, जो आ रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो अभी के 2 महीने में एक तो इनमें से मान लीजिए 3 सब्जेक्ट निकले, उन 3 सब्जेक्ट पे काम करना शुरू करना है ना, अपने वीक एरियाज फरवरी तक फुल स्ट्रांग कर लेने हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये मजबूत हो और बाकी एरियाज कमजोर हो जाएं, उनको भी साथ साथ टाइम देना शुरू करना है, बट इन पे ज्यादा वर्क करना है। उसके अलावा प्रीलिम्स को लेकर हमें क्या ध्यान देना चाहिए, उसके अलावा हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अपने आप को टॉपिक स्पेसिफिक कर लीजिए। क्यों मैं ये कह रहा हूं, पता है यूपीएससी के कुछ एरियाज हैं जिन पर प्रश्न बार बार आ रहे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे ओवरऑल देखेंगे तो अशोक जो है मौर्य काल में, तो वहां पर आपको प्रश्न दिखेगा, मौर्योत्तर काल देखेंगे वहां पर प्रश्न दिखेगा, गुप्त काल देखेंगे वहां पर प्रश्न दिखेगा, साहित्यकार पूछे हैं ना गुप्त काल में, तो ये बड़े बड़े जो एरियाज हैं इन पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे मंगोल है, 2021 में प्रश्न पूछा, फिर से 2022 में पूछा, देख लीजिए प्रीवियस ईयर उठा के, आपको देखेंगे दोनों तरह के प्रश्न। तो अगर आप ऐसी दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखेंगे यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, मुगल काल का प्रशासन देखेंगे यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि टॉपिक स्पेसिफिक हो जाना है। अगर ज्योग्राफी में देखेंगे तो जलवायु एक ऐसा टॉपिक है जिस पर यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, मिट्टियां जो यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, फसलें यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है,
तो ये टॉपिक स्पेसिफिक होना गलत है क्या? बताएं मुझे जरा, टॉपिक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है यूपीएससी में, उस पर काम करना है। बहुत लेंदी सिलेबस है, सब कुछ नहीं पढ़ सकते, समझिए इस बात को। स्मार्ट स्ट्रेटेजी जरूरी है। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, फिर से उस चीज को दोहराता हूँ कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में डिफरेंस क्या होता है। प्लानिंग जो हमने तैयार किया, सोचा कि हम ये करने वाले, हमने प्लान किया आने वाले 2 महीने में ये चीजें करने वाले हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि कॉम्पिटिशन फैक्टर को ध्यान में रखकर हम प्लानिंग कर रहे हैं। आर्मी कभी भी प्लानिंग नहीं करती, स्ट्रेटेजी करती है। जीतना है जो दुश्मन कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान हो तो चाहे चीन हो, अगर लड़ाई जब हम कर रहे हैं तब दुश्मन कंट्री, ऐसे हम उनको दुश्मन कंट्री नहीं बोल सकते। जनरल बात कर रहे हैं कि अगर हम फाइट में हैं, वॉर में हैं किसी के साथ, और ऐसी सिचुएशन में अगर आर्मी जा रही है तो आर्मी रणनीति बनाएगी कि हमें उनको हराना है। वो किसी भी देश की हो, सिर्फ भारत की नहीं, हर देश की। रूस की आर्मी अभी यूक्रेन में घुसी हुई है, तो प्लानिंग से थोड़ी ना गई है, वो स्ट्रेटेजी बना के गई है कि हमें हराना है यूक्रेन को। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पता है, वही स्ट्रेटेजी तो यहाँ चाहिए आपको। बाकी लोगों को छान कर, हटा कर, फिर आपको प्रिलिम्स में एंटर करना है। उसके लिए ये स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, स्पेसिफिक टॉपिक होना, टॉपिक स्पेसिफिक अपनी तैयारी करो और फिर उन टॉपिक्स पे वर्क करो जो यूपीएससी बार बार पूछ रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो यूपीएससी ने चीजें पूछी हैं, बार बार पूछी है, उन पर काम करना शुरू करो। जब ये कर लोगे, बहुत अच्छे नोट्स बना लोगे टॉपिक्स के, और उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करोगे, फिर आपको दिक्कत कहाँ होगी बताइए। और ये हर चीज में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने बताया ना, आप चीजों मेरी चीजों को कैप्चर कर लीजिए। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 20 से 25 टोटल टेक्नोलॉजीज है ना, जो अभी चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी हो गया है ना, जैसे मैंने बोला क्वांटम कंप्यूटर जो है, बिटकॉइन जैसे है, इस पर सवाल यूपीएससी ने पूछ लिया है। बहुत सारी चीजें, सिर्फ 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, फिर 6G टेक्नोलॉजी आ रही है। ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर आप अच्छे से एक बार नोट्स बना के रख लें, यूपीएससी उनमें से बाहर नहीं जाने वाला। वही पूछ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर प्रश्न पूछा गया, तो वो भी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या नहीं। वाईफाई को लेकर प्रश्न पूछा जा चुका है, ब्लूटूथ को लेकर प्रश्न पूछा जा चुका है, ये क्या है? ये लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज है ना, रिसेंट डेवलपमेंट जो हो रही है टेक्नोलॉजी में, उस पर बात है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जब पता है कि ये एरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, इन्वायरमेंट में आपको क्या देखना है, इन्वायरमेंट में आपको फोकस होना चाहिए। मेन एरिया जो आपका, एक तो स्टैटिक पोर्शन है उसका, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है ना, ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये एक पोर्शन, तो वो स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कवर कर लीजिए। मान लीजिए यूपीएससी कोई आसान सा प्रश्न पूछता है, जैसे यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कार्बन फर्टिलाइजेशन ये क्या होता है ना, तो ये बेसिक एनवायरमेंट का सवाल है ना, बेसिक जो है आपकी पर्यावरण है उसका सवाल। तो एक स्टैटिक पोर्शन है, पहले वो कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद में एनवायरमेंट के जो प्रोटेक्शन वाले एरियाज हैं, जो जैसे संरक्षण रिजर्व जो है, जैसे मान लीजिए आपका वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है, इनकी मैपिंग अच्छे से करिए, इनको लेकर अच्छे से काम कर लीजिए। क्योंकि मैपिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जैसे मैप पे दे रखे हैं, गूगल पे सर्च करते हैं राष्ट्रीय पार्क एक बार में पढ़ लिए, वन्य जीव अभयारण्य एक बार में पढ़ लिए, आर्द्र भूमि एक बार में पढ़ लिए, ऐसे पढ़ोगे क्या? ऐसे फिर यूपीएससी के प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे? एक प्रॉपर मैपिंग बनाना शुरू करो और फिर उसमें देखो कहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है, कौन से रिवर बेसिन में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है। पूछा था ना कावेरी के बेसिन में कौन कौन से हैं, पूछा था या नहीं पूछा था? तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्पेसिफिक हो जाना है यूपीएससी के टॉपिक्स को लेकर, उन टॉपिक्स को लेकर आपको काम करना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ओवरऑल भी देखेंगे तो 100-150 टॉपिक प्रीलिम्स का पूरा निकलता है। देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको कंप्लीट लिस्ट भी दे दूंगा, आपके लिए इतना भी मैं कर सकता हूँ। 36 महीने का करंट अफेयर मैं ला रहा हूँ, कोशिश करेंगे एक टॉपिक की वीडियो भी आप लोगों को दे दी जाए, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से वर्क करके आपका जीएस वाला टेंशन भी वहां पे खत्म हो जाए, करंट अफेयर तो खत्म हो ही जाएगा, है ना। एक चीज और मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि अब यहाँ से चीजें, जैसे मैंने आपको फरवरी तक की चीजें बता दी हैं, उसके बाद मैंने बता दिया कि टॉपिक स्पेसिफिक होना है। दो चीजों पे बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है। कौन सी दो चीजें हैं? एक है आपका सीसेट और एक है आपका टेस्ट सीरीज, ठीक है। सीसेट और टेस्ट सीरीज ये दोनों चीजें हैं। अब यहां से समझ लो, देखो सीसेट में आपको लगभग 66 मार्क्स चाहिए, है ना, इतने मार्क्स चाहिए ना, बट ये आते नहीं। पिछले 3-4 साल में यूपीएससी ने सीसेट का लेवल बहुत अच्छा कर दिया है, तो हिंदी माध्यम के बच्चे इसमें बहुत सारे कहीं ना कहीं पर उनको बहुत बड़ी समस्या हो रही है ना। तो सीसेट को इग्नोर नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है अभी से, और इस पे काम अभी शुरू करना है।
ये लोग कहते हैं कि 1-2 महीने में मैथ या रीजनिंग आपकी प्रिपेयर हो जाती है, मुझे नहीं लगता ये बात सच है, क्योंकि तो मैथ और रीजनिंग के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, जो जिस लेवल के यूपीएससी प्रश्न अभी पूछ रहा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे ना, तो थोड़ा सा टॉपिक स्पेसिफिक हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। जैसे नंबर सिस्टम है यूपीएससी, उसमें 7 से 8 सवाल हर बार पूछ रहा है ना, जैसे कैलेंडर है, हर बार 1-2 सवाल उसमें आ रहे हैं। ये चीजें अगर आप टॉपिक्स पर, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीजें हैं उस पर अगर प्रश्न देख लेंगे, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, वो चीजों पे प्रश्न हर बार बन रहा है। जैसे पार्टनरशिप है, प्रश्न बन रहा है ना, सॉरी पार्टनरशिप की बजाय एवरेज की मैं बात करना चाह रहा था, एवरेज जैसे है, हर बार प्रश्न है उस पर, एवरेज पे, औसत पे, लाभ एंड हानि में प्रश्न है। तो आप टॉपिक स्पेसिफिक कुल मिला के देखेंगे तो 7-8 टॉपिक ऊपर से निकाल लेंगे, प्लस कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर कर लेंगे, तब सीसेट में नहीं रहेंगे ना। बट इसको इजी नहीं लेना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत ऐसी चीज है जो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर देगी। अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर है जीएस में और सीसेट अच्छा नहीं है, तो आप बाहर हो जाएंगे, और फिर आपको बहुत ज्यादा दुख होगा कि इस छोटे से एग्जाम की वजह से, जो क्वालिफाइंग नेचर का था, बहुत कम मार्क्स मुझे चाहिए थे, 200 में 66, वो भी मैं कर नहीं पाया। तो आपको इसको लेकर थोड़ा सा सीरियस रहना है, और इसको लेकर अभी से आधा घंटा या 1 घंटा डेली देना है। सीसेट को लेकर मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी मैथ का इशू है, वो अभी से किसी से ना पूछें कि कितना मुझे अभी बाद में करना है, 2 महीने में कर लूंगा, 1 महीने में कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं। आपको अभी से कम 6 महीने इस पे वर्क करना है साथ साथ, ताकि आपकी चीजें, और सीसेट को करने का एक बेस्ट तरीका होता है बुक से करें, वीडियोस वगैरह से। चीजें क्या होता है, किसी ने वीडियो बनाई, 4-5 टाइप के क्वेश्चन करा दिए, आपको पता है यूपीएससी उसमें प्रश्न पूछेगा, श्योर है आप उस टाइप के? अगर नहीं आया तो आपने पढ़ा, आपके अंदर आपके रहा कि मैंने वो चैप्टर किया है, बट वो उसका करने ना करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको कोशिश करनी है कि कोई बुक उठाए मैथ की, उसमें से टॉपिक वाइज करें, क्योंकि बुक में जो चीजें होती हैं वो 25 से 30 टाइप के सवाल दे रखे होते हैं, और थोड़ा सा अपना जो मैथ और रीजनिंग का लेवल है एसएससी के लेवल पर लेके जाएं। यूपीएससी अब थोड़ा सा अच्छा खासा पेपर पूछ रहा है मैथ और रीजनिंग में। तो आपको क्या करना है, अभी से सीसेट पे वर्क करना शुरू कर देना है, सीसेट को नजरअंदाज नहीं करना है, और लगातार अभी 1 घंटे वर्क करिए, लेकिन जैसे ही अप्रैल तक का दौर आए, 15 अप्रैल से या अप्रैल शुरुआत से, आप 2-2 घंटे देना शुरू करिए, और इसके अच्छे खासे टेस्ट जो है वो आप लगाएं। लोग क्या करते हैं, लास्ट में 1-2 सीसेट के टेस्ट लगाए ना लगाए और सीधा पेपर में चले गए, तो उसका नतीजा भी यही होता है कि वहां से भी सीधा बिना लगाए वापस आ जाते हैं, है ना? तो यूपीएससी भी वैसे ही खेल खेलता है आपके साथ। तो आपको एक चीज इस पे हम लोगों ने बात कर ली, और सीसेट का मैंने एक स्ट्रेटेजी भी आपको बता दी है कि क्या है। हाँ, एक चीज इसमें है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये ज्यादा इसको अटेम्प्ट करते हैं। कोशिश रहेगी मेरी कि लास्ट में 5 से 10 वीडियोज कॉम्प्रिहेंशन को लेकर मैं आ जाऊं, है ना, पेपर से पहले 1-1.5 महीने पहले, ताकि आप लोगों की ये चिंता भी खत्म हो जाए, है ना। कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसेट को लेके अभी मैं बहुत बड़ा वादा आपको लेकर नहीं करूंगा कि मैथ रीजनिंग के सवाल आएंगे, वीडियोस आएंगी, क्योंकि अभी उसको लेकर मेरा प्लान नहीं है। मैंने आपको तरीका बता दिया, मैथ की बुक कोई उठाए, रीजनिंग की कोई बुक उठाए, उससे टॉपिक वाइज तैयारी करें, वो ज्यादा अच्छी तैयारी है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उससे बिल्ड होगी। अगर कोई कोर्स आएगा भी सीसेट को लेके, मैं आपको पब्लिक बता दूंगा उस चीज को लेके, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन को लेकर मैं कुछ चीजें चाहता हूँ कि लास्ट में 7-8-10 वीडियो आ जाएं, जिससे आपका ये टेंशन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 27 से 28 क्वेश्चन आते हैं, 30 की अगर रेंज मान के चले, तो अगर यहाँ पर अच्छा आप कर जाते हैं तो बहुत बर्डन आपका मैथ का कम हो जाता है। तो इसको लेकर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर मैं ही आप लोगों को कुछ वीडियोस लेकर आके बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए टेस्ट सीरीज को लेकर चीजें हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल, करनी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए, इसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज, लगानी चाहिए तो किस संस्था की लगानी चाहिए? और तीसरी चीज, टेस्ट सीरीज लगानी लगाते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अभी के लिए ये मैं कहना चाहूंगा, मैं किसी संस्था का यहाँ पर नाम इसलिए नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोग खुद से जज करें कि किसका टेस्ट बेस्ट है। अभी के लिए अगर मैं आपको एक टेस्ट सीरीज बताऊं, तो विजन की टेस्ट सीरीज ओवरऑल सबसे अच्छी है, बाकी जो संस्थाएं हैं उनकी टेस्ट सीरीज का लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो आप पहली प्रायोरिटी उसको रख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि डिलाइट आईएएस की तरफ से भी टेस्ट सीरीज आने वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरी कोशिश है अभी कि इसमें कंबाइंड टेस्ट आए, फुल लेंथ टेस्ट जो है वो मार्केट में आने चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, सब्जेक्टिव टेस्ट तो बहुत है ना, और होता क्या है, अगर आप मान लीजिए विजन है या कोई भी संस्थान है, उसके स्टैटिक पोर्शन लगाना शुरू करते हैं ना, तो 24-25 टेस्ट तक तो सब्जेक्टिव टेस्ट ही चलते रहते हैं। उसका मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फायदा नहीं है, फायदा है, बट हमें अल्टीमेटली पेपर में क्या चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट चाहिए ना, उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और बच्चा यहाँ पर जब तक फुल लेंथ टेस्ट में पहुंचता है, 2-3 से ज्यादा लगा ही नहीं पाता है, क्योंकि पहले ही उसने 25 टेस्ट लगाए बैठे हैं,
सब्जेक्ट के। तो मेरी कोशिश ये है कि चाहे 10 टेस्टिंग आए चाहे 15 टेस्टिंग आए, लेकिन वो फुल लेंथ टेस्ट आए, तो यूपीएससी के लेवल पे हूँ, है ना। यूपीएससी किस तरह से 100 प्रश्न बना रहा है, पूछ रहा है, कोशिश मेरी उस तरह से है कि उस तरह की चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करूं। देखिए, कंटेंट को लेकर मैंने पहले दिन से वादा किया है कि क्वालिटेटिव कंटेंट जो है, गुणवत्ता युक्त सामग्री मैं आपको पहुंचाऊंगा। इधर उधर की ज्यादा बात मुझे करना पसंद नहीं है। एग्जामिनेशन को सेंटर में रख के हम लोग बात करते हैं, तो इसको लेकर डिलाइट आईएएस की टेस्ट सीरीज जो है उस पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही वो चीजें आपके पास आएंगी, कम टेस्ट आएंगे बट बहुत बेहतरीन टेस्ट आएंगे, ताकि आप उसको उन टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप अपना लेवल चेक कर लें। टेस्ट सीरीज को करना कैसे है, किसी भी संस्थान की आप उठाते हैं, देखिए मैंने आपको बताया रैंडम प्रश्न पे ज्यादा फोकस करना है, जो आपको नहीं आते उन प्रश्न को कैसे हैंडल करोगे, उनमें कितने सही बैठ रहे हैं कितने गलत बैठ रहे हैं ये देखना जरूरी है। और अपने आप अगर शुरुआत में मान लीजिए 25 रैंडम आ रहे हैं, किसी भी टेस्ट में 20 आ रहे हैं, तो 20 में आपको ये कोशिश करनी है, मान लो सारे के सारे आप अटेम्प्ट करो और अटेम्प्ट करके ये देखो मेरे सही कितने हो रहे हैं। हो सकता है उसमें एक दो ही सही हो, वो एक दो से आपको बढ़ना है, 4, 5, 6, 10 रैंडम जो 35 यूपीएससी पूछ रहा है ना, ये अटेम्प्ट तो करने ही पड़ेंगे। क्योंकि हम, अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, एक बात बताइए 85 से 90 तो करोगे ना अटेम्प्ट, तो छूटा क्या 5 से 10 प्रश्न, तो उसमें इतना क्या सोचना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो ना। पता ही है 85-90 करने ही पड़ेंगे जिस लेवल का कॉम्पिटिशन चल रहा है। एकदम से स्पेसिफिक होने वाले बच्चे है कि बिल्कुल 65 करेंगे और एकदम से उसमें क्वालिफाई वो हो जाते हैं, कोई एकाध किस्सा ऐसा होता भी है, बट ज्यादातर लोग नहीं होते हैं। क्योंकि गलत, आप कंप्यूटर थोड़ी हो, मशीन थोड़ी हो जो एग्जैक्ट सही करोगे, वहां पे गलती होगी, तो गलती के लिए थोड़ा सा एक दायरा तो बता रहना चाहिए, थोड़ा सा, कि ज्यादा कुछ गलत हो तो सही भी ज्यादा हो जाए। तो 85 तो क्वेश्चन आपको 80-85 तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए। ऐसी सिचुएशन में छूटता कितना, 10-12 प्रश्न, और मैं तो कहता हूँ 90 तक जाइए उस रेंज तक, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। तो अगर 90 तक जा रहे हैं उसमें हम लोग, हमें पता है कि ज्यादातर हमें अटेम्प्ट ही करने हैं, और रैंडम में भी 30 सवाल अगर अटेम्प्ट करने हैं, तो कोशिश करो कि उसमें ज्यादा सही हो। क्योंकि जो बाकी पोर्शन है उसमें तो आप कोशिश करोगे ही कि आपका अच्छा है, आपकी दायरा है, आपको पता है प्रेडिक्टेड एरियाज में आए हैं, तो आपके सही होने की संभावना ज्यादा है। बट जो रैंडम क्वेश्चन है, अगर वहां पे आप अच्छा कर जाते हो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, तो आपका स्कोर बूस्ट होगा, तब आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर चला जाएगा, अगर आप उस पे काम करते हो। टेस्ट सीरीज का यही है कि आप रैंडम प्रश्न पे काम करें, और टेस्ट सीरीज को लेके ना पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन लेके मत बैठ जाया करो, कि जैसे किसी संस्था की टेस्ट सीरीज आई, उसका पूरा टेस्ट दिया, फिर पूरी एक्सप्लेनेशन रट रहे हैं, वो फिर इतना बल्क ऑफ नॉलेज हो जाएगा ना, दिमाग में याद नहीं रहेगा। जो गलत हो रहे हैं प्रश्न उनको चेक करो, जो सही किए हैं उनको एक बार हल्का सा देख लो कि हाँ इसका ये नॉलेज है, उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको जरूर वहां पर हाईलाइट करके रख लो, बाकी वो क्वेश्चन पे ज्यादा उसके आंसर पढ़ लो जो आपसे सही नहीं हुए। जो गलत क्वेश्चन हुए हैं ना, मान लीजिए आपने 80 अटेम्प्ट किए और 80 में से आपके 50 सही हुए, 30 गलत हुए, वो 30 पढ़ लो बस, उसके आंसर पढ़ लो। 50 का सिर्फ आंसर आपको पता होना चाहिए, जो सही हुए वो ऑलरेडी सही है, आपने किए ही है, तो उसमें ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं बची, उसके लिए नॉलेज लेने की ज्यादा जरूरत है नहीं। जरूरत है उन 30 प्रश्न की जो आप गलत कर रहे हैं, उनमें आपको रैंडम प्रश्न ज्यादातर सही करने की कोशिश करनी है, और उन 3 प्रश्न जो गलत हुए हैं, 30 प्रश्न जो गलत हुए हैं, उसके आंसर आप अच्छे से याद कर लो, उसी को लास्ट में रिवाइज भी कर लो, और ये भी देख लो कि ये गलत क्यों हो रहा है। तो ये ओवरऑल एक डिस्कशन था जिसको लेकर मुझे आपसे बात करनी थी, कि प्रीलिम्स 2023 आ रहा है, उसको लेकर आपकी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। हम लोगों ने सीसेट पे बात की, हम लोगों ने मेंस को लेकर बात की, कि अभी 2 महीने बचे हैं, 2.5 महीने का जो समय है उसमें हम मेंस में कौन कौन सा पोर्शन कर सकते हैं, उसको लेकर हम लोगों ने बहुत गहराई से बात की। प्रीलिम्स में अभी 2 महीने में क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी दो चीजें बताई है ना, कि एक सिली मिस्टेक्स पे वर्क कर लीजिए, और एक कहीं ना कहीं पर आप कोशिश करें कि जो आपके वीक एरियाज हैं उस पर आप काम करके फरवरी तक रख लो। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी लगातार लगाना है, कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, है ना, अच्छे खासे टेस्ट लगाओगे तो आपका कहीं ना कहीं पर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, और इसके मार्क्स को लेके परेशान नहीं होना है। अगर टेस्ट सीरीज में मार्क्स ना आए तो नेगेटिव नहीं होना है कि पता नहीं अब क्या होगा, ये सब कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज में 25-25, 30-30 नंबर लेने वाले बच्चे यूपीएससी में 130 नंबर लेके आ रहे हैं, 120 नंबर लेके आ रहे हैं, तो इसको लेके तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना। आपको सिर्फ कोशिश करनी है जो मैंने चीजें बताई है, कि आप चेक करो रैंडम क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आप ये देखो मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं, मैं ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, थोड़ा स्पीड पे काम करो, है ना। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, वही स्पीड अभी यूपीएससी का जो लेंथी प्री का प्रश्न आ रहा है, बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं, उसको पढ़ने में हेल्प करेगा आपका।
अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लें उसको जाके कि अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज करें, हाउ टू क्रैक यूपीएससी प्लेलिस्ट में आपकी ये वीडियो रखी हुई है। तो इस वीडियो को देख के थोड़ा सा अपनी स्पीड, पेपर को पढ़ने की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी पेपर पढ़ें, फिर उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, पेपर की बारीकियों को समझने की कोशिश करें। कई क्वेश्चन में यूपीएससी संविधान का उल्लेख करके क्वेश्चन गलत कराता है कि संविधान में ये चीज लिखी हुई है, संविधान में ये बारे में कहा गया है, वो ऑप्शन लगभग लगभग गलत होता है। लेके आऊंगा कुछ वीडियो जो टेक्निक्स पे काम होगी कि प्री में कौन कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो अभी के लेवल पे, वो बातें नहीं जो आज से 3 साल पहले लोगों ने वीडियो बना रखी है, वो नहीं, वो टेक्निक्स अब लागू नहीं हो रही। जो पहले टेक्निक्स बन चुकी हैं कि टेक्निक्स है ओनली होना चाहिए वर्ड में, नेगेटिव वर्ड गलत होता है, वो सब अब बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है। लेटेस्ट कौन सी टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है उसको लेकर मैं लास्ट में कुछ वीडियोस लेके आऊंगा, मे बी वो आपको हेल्प करेंगी बहुत अच्छे से, और उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और 36 महीने का करंट अफेयर आ रहा है, आप लोगों की जिम्मेदारी है पूरा नोट्स आप लोग बना के रखेंगे उसका, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करेंगे और रिवाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है। एक कंप्लीट एक अच्छा सा रजिस्टर लेके रख लीजिए और उसमें आप नोट्स करते चले जाइए। चीज है जो अभी मैं बहुत जल्द उसकी परसों से वीडियो शायद शुरू होने वाली है, पहली वीडियो आ जाएगी मंडे को, वीकली हम लोग 2 वीडियो करके चलते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से 20 मई तक मैं उस प्रोग्राम को खत्म करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी और आपका पूरा करंट अफेयर का बर्डन जो है वो खत्म हो जाएगा। डेली करंट अफेयर शुरू होने वाला है बहुत जल्द, उसको लेकर भी मैंने कल अनाउंसमेंट की थी। थोड़ा सा कोशिश करें आप चीजों को शेयर करने की कोशिश करें, अगर प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं पर ज्यादा बच्चों को इससे हेल्प मिल पाएगी, है ना। आप लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इतनी इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ पूरी पूरी देर, आप सोचिए आसान नहीं है एक एक डेढ़ घंटे बोलना, बट फिर भी मुझे लगता है कि कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को हेल्प हो सकती है तो मैं उसको जरूर करूंगा, सिलेक्शन तक मैं आप लोगों के साथ जरूर खड़ा हूँ, उसके बाद आप लोगों पर है, आप लोग रहें ना रहें, कहीं आगे जाके आपको किसी से बात करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, कि हम लोगों ने आपकी क्या हेल्प की नहीं की। आपके लिए सिर्फ मेरा आपका सिलेक्शन मेरे लिए मैटर करता है, बाकी सब चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे लगता है आज की वीडियो से आप लोगों को हेल्प हुई होगी। जो बच्चे 24-25 में देने वाले हैं उसको लेकर भी हम लोग एक बार वीडियोज लाएंगे, ये वीडियो वो भी अच्छे से देख लें, है ना, बहुत अच्छे से वो लोग भी इस वीडियो को देख लें, फिर हम लोग स्पेसिफिकली 24 और 25 को लेकर भी मैं एक एक वीडियो स्ट्रेटेजी की बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।